यह नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को गणित का आंकड़ा समझना पड़ेगा। लेकिन बिहार के जो बेरोजगार थे उसको कितने बेरोजगारों की नौकरी मिली? आपको बताना पड़ेगा नीतीश कुमार, आपके साथ क्या मजबूरियां थी। सड़क से सदन तक, विधानसभा तक हम जाम करेंगे, यह तो अग्राही है। आगे देखिए कितनी लड़ाई है। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। देखिए, बीते दिनों पहले बीपीएससी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आता है, नियुक्ति पत्र बांटा जाता है, लेकिन इस वक्त मैं पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका कहना है कि जो पासिंग मार्क्स था उससे भी ज़्यादा नंबर आया, उसके बावजूद भी इन्हें क्यों धरना पर बैठना पड़ रहा है? धरना पर क्यों बैठे? सर, हमारी बस एक ही मांग है, जो कोई भी नई रिक्तियाँ आती है वो बेरोजगारों के लिए आती है, ना कि जो ऑलरेडी रोजगार में उनके लिए नहीं आती। 28,500 से ज़्यादा जो नियोजित शिक्षकों को ही रोजगार, वाले को ही रोजगार दे देना, ये कहाँ का अन्याय है सर? ये तो हम बेरोजगारों के साथ अन्याय हुई। जो पाँच साल पहले भी सड़क पे थे, वो आज भी सड़क पे, तो क्या बैठे? अपनी मांग, हम जहाँ भी जाते हैं हमारी मांग को सुना नहीं जाता, तो हम क्या करें? धरना पे ना बैठे तो क्या बैठे? आज से धरना ही नहीं सर, 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन सरकार का कोई भी प्रतिनिधि या कोई अधिकारी हमसे पूछने तक नहीं आया। रात कैसी बीती? आज पटना में इतने मच्छर हैं, इतनी बीमारियां फैली हुई, लेकिन रात कैसे, हम जानते हैं, लेकिन मर जाएंगे सर, लेकिन यहाँ से अपनी मांग पूरी जब तक नहीं जाएंगे। आज से अन्न जल त्याग कर हम सभी आमरण अनशन पे आज से बैठते हैं। लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कि मतलब आप लोगों के साथ अन्याय हुआ, दूसरी तरफ राज्य सरकार का कहना है कि बहुत बड़ी राज्य सरकार की उपलब्धि है, 1,20,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो पत्र। इस पर मैं कहना चाहूँगा सरकार, आपने ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक दिन आपने बनाया, लेकिन मेरा ये कहना है उसमें से कितने बेरोजगार लोगों को नौकरी दी, और कौन से बेरोजगार? अपने बिहार के बेरोजगार लोग जो थे, कितने बेरोजगारों को नौकरी दी? 28,000 तो नियोजित चले गए, बाहर वाले चले गए, ठीक है आपने माना, लेकिन बिहार के जो बेरोजगार थे उसको कितने बेरोजगारों की नौकरी मिली? नहीं मिली ज़्यादा सर। आप बताइए क्यों ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं? थोड़ा आगे आ जाइए। आप तमाम जो अभ्यर्थी गर्दनी बाग में दिखाई दे रहा है, यह बीपीएससी कट ऑफ पार किया हुआ अभ्यर्थी है। नियमावली भी शिक्षा विभाग बनाया, बीपीएससी आयोग सरकार से परीक्षा लिया, सभी सफल अभ्यर्थी हैं, और नियोजित टीचर्स को इस वैकेंसी में दे दिया गया। सरकार को बताना पड़ेगा, आयोग को बताना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण था, क्या मजबूरियां थी कि 75% हमारे अभ्यर्थी जब अप्लाई कर चुके थे तो डोमेसाइल को क्यों तोड़ा गया? डोमेसाइल के तोड़ने के कारण ही आज हमारे सफल अभ्यर्थी यहां बैठे हुए हैं। इसको मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि हमारी जो भी रिक्तियाँ हैं उसको फुलफिल करो, और जितने भी हमारे बीपीएससी सफल अभ्यर्थी हैं इस वैकेंसी के बाद रोस्टर बना करके, वेटिंग लिस्ट बना करके नियोजित करें, और अगली रिक्तियां की प्रतीक्षा यह अभ्यर्थी नहीं करने वाला है। क्या यह मासूम अभ्यर्थी दोबारा देगा बीपीएससी का एग्जामिनेशन? नहीं चलने देंगे। सड़क से सदन तक, विधानसभा तक हम जाम करेंगे, हमारा अभ्यर्थी यह तो अग्राही है। आगे देखिए कितनी लड़ाई है। मैं शिक्षा विभाग और आयोग को अपील करता हूँ, गर्दनीबाग की धरती से, गर्दनीबाग वह अहंकार की धरती है, इसकी ज्वाला जब विस्फोट होगा आप प्रज्वलित की धाह में जल जाइएगा। विद्यार्थी की आह है, विद्यार्थी का वेदना है। आपको बताना पड़ेगा नीतीश कुमार, आपके साथ क्या मजबूरियाँ थी। डोमेसाइल ब्रेकिंग हुआ है, आपके बिहार में ही शिक्षक की बहाली नहीं होती है, बहुत सारे प्रदेश में, 28 प्रदेश है, 28 प्रदेश में शिक्षक की बहाली होती है। आप 40% ब्रेकिंग किसका? डोमेसाइल का। आज उसी के चलते बेरोजगार पड़ा है। आप मत मांगने जाइएगा, तमिलनाडु से लेकर के उत्तराखंड होते हुए बिहार का पता साफ होगा। मुख्यमंत्री ने तो कहा कि मन से कहा उन्होंने कि डोमिसाइल से कोई नुकसान नहीं है, 88% बिहार के जो छात्र थे उनका बढ़ती हुआ। यह नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को गणित का आंकड़ा समझना पड़ेगा गणित का आंकड़ा। यह क्यों बैठा हुआ है, यह क्या मजबूरी था? पहले तो यह तो बता दे कि आप डोमिसाइल है 10% देते, 40% आपकी क्या मजबूरी था? आपको बिहार का पता साफ होगा, नहीं तो इस अभ्यर्थी को नौकरी
नौकरी दो, यह जात है, यह जमात है, यह बेरोजगार का ज्वाला है, यह कोई नहीं सोचेगा, कोई सोशल इंजीनियरिंग फैक्टर नहीं काम करेगा। आप आया है गर्दनी बाग की धरती से, इसे नियुक्ति पत्र दे दो। गांधी मैदान की अंग शोभा बढ़ाया है, गर्दनी बाग में तमाम अभ्यर्थी की सर्टिफिकेट चेक कर लो और नौकरी दे दोगे तब आपका बिहार में नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, नहीं तो एक्सेप्ट वैली सिटी से इतना पत्थर का टुकड़ा भागेगा कि आप आकाश में उड़ते चले जाइएगा। फिर अभ्यर्थी के बीच में क्या, आप जमात में क्या, समाज में क्या, विधानसभा का सत्र का मुंह नहीं देखने देगा, नहीं देखने देगा। इस अभ्यर्थी की आह को सुनिए, वेदना को सुनिए, इस अपील को, अभी तो वर्तमान में अपील है, आगे आपको सड़क से डाक बंगला चौराहे उन सब अभ्यर्थियों से भी जाने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, उन सबसे भी जानते हैं। कब तक आप लोग बैठने वाले हैं यहाँ पे? सर हम लोग अनिश्चितकालीन बैठेंगे जब तक कि सरकार हम लोग की बात मांग को पूरा न कर दें। हम लोग की मांग है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको अपने सीट पर अथी दिया जाए और समायोजित किया जाए। हम लोग के जितना भी सीट वैकेंट है वो सभी हम लोग के दूसरे लिस्ट में जारी करके और मेरिट लिस्ट जारी किया जाए और हम लोग को रोजगार को दूर किया जाए। ये बताइए कि किस तरीके से आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, आप लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए अनिश्चितकालीन धरने पर? हाँ सर, हम लोग अनिश्चितकालीन धरना कल से बैठे हुए हैं। अगर मेरी मांग बिहार 24 घंटा हो गया, अभी बिहार सरकार की तरफ से कोई रुझान नहीं आया है। हम लोग आज से हम ही लोग के ग्रुप में से 3 से 4 लोग आमरण अनशन पर बैठने आ रहे हैं। वो लोग बिना अन्न जल सब त्याग देने जा रहे हैं। हम लोग सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनका। हम लोग की बस मांग यही है कि जो पुराने शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, जो ऑलरेडी शिक्षक हैं, उनको राजकर्मी का दर्जा सरकार जैसे वह बना दे। और हम लोग का जो नया सीट है वो बेरोजगारों के लिए है, तो हम लोग यही चाहेंगे कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे रहे हैं माननीय अतुल प्रसाद सर, उसमें जो है नियोजित शिक्षक का सीट जो खाली रहता है, समायोजित कर जो सा खाली रहता है, और जो सीटेड फेल हैं, डीएलएड फेल हैं, जो फर्जी अभ्यर्थी हैं, उन सभी लोगों का वैकेंट सीट एकत्रित कर और जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। ये बताइए कि कई सारे आप लोग के साथी जो है वो आमरण अनशन पर भी बैठे हुए, कि आमरण अनशन पर बैठने से सरकार सुनेगी बात को? जी, हम लोगों के पास फिर दूसरा ऑप्शन भी सर नहीं बचता है। हम लोग बेरोजगार, बेसहाय, असहाय हैं। जैसे कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं भाई साहब, सबके सब बीपीएससी के अपने जो न्यूनतम आहर्ता है उनसे सभी के सभी लोग पास है, और फिर भी जो है विडम्बना है हमारी बिहार सरकार की, ये लोग शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं। तो हम लोगों का बिहार सरकार से सर एक ही मांग है, जो हम लोगों ने मांग की है उस मांग को रखा जाए। और सर मैं विशेष नहीं बोला क्योंकि सर कल मुझे 102 फीवर थी रात में, फिर भी सर मैं यहाँ अडिग हूँ, अमर हूँ, और जब तक सर हमारी बातों को नहीं मांगा जाएगा हम अपना प्राण का आहुति दे देंगे, लेकिन सर यहाँ से नहीं जाएंगे अपनी बात को मनवाने हुए। तो देखा आपने किस तरीके से जो है वो तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो अब यहाँ पर गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, और अब तमाम अभ्यर्थियों का कहना है कि जो अब सरकार है वो अब इनकी मांगों को अगर नहीं सुनेगी तो अब यूं ही इसी तरीके से गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। देखिए हम आपको एक पोस्टर दिखाते हैं, जो पोस्टर इन्होंने लगा रखा है कि बिहार के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी भर्ती में बेरोजगार युवाओं द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, और तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। एक बार सहयोगी से कहें कि आपको पूरा दिखाएं कि किस तरीके से तमाम जो अभ्यर्थी वो बैठे हैं, और साफ तौर से अभ्यर्थियों का कहना है कि अब जो नियोजित शिक्षक है, नियोजित शिक्षकों को ही नियुक्ति पत्र बांटा गया था, लेकिन हम लोग पास होने के बावजूद भी हम लोग यहाँ पर बेरोजगार बैठे हुए हैं। क्या आप सरकार इनकी मांगों को सुनती है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। दोबारा टाइम्स के साथ बने रहे, पटना से साकेत कुमार।